नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। पाकिस्तान में फिर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले को 20 से 25 आतंकियों ने अंजाम दिया है। यह हमला पेशावर में हुए ब्लास्ट के दो दिन बाद हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की पुलिस ने इस हमले को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान अभी एक धमाके से उभरा भी नहीं था कि उस पर एक और आतंकी हमला हो गया। पेशावर में मस्जिद ब्लास्ट के बाद फिर आतंकी हमला हुआ है। करीब 25 आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला बोला। इस बार आतंकियों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया है। पाकिस्तान में मियांवाली जिले में बीती रात एक पुलिस स्टेशन पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक भारी हथियारों से लैस 20 से 25 आतंकवादियों के एक समूह ने थाने पर हमला बोला था। हालांकि दोनों तरफ से भारी गोलीबारी के बाद आतंकवादी भाग खड़े हुए। बीते सोमवार को मस्जिद में हुए जोरदार धमाके में 90 से अधिक लोगों ने जान गंवाई थी। मौत का आंकड़ा अभी और भी बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। इस फिदायीन हमले में मरने और घायलों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी शामिल है। जहां पर हमला हुआ था वो बेहद ही सुरक्षित स्थान माना जाता है, जिसमें नमाज के वक्त एक फिदायीन ने मस्जिद परिसर में जाकर खुद को बम से उड़ा लिया था। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान ने ली है, हालांकि बाद में उसने इस हमले से खुद को अलग कर लिया। पेशावर में 2014 के बाद ये दूसरा बड़ा हमला है। साल 2014 में स्कूल में हुए धमाके में 150 लोगों ने जान गंवाई थी। लेकिन आतंक की फैक्ट्री कहे जाने वाले पाकिस्तान में आए दिन ऐसे धमाके सामने आते रहते हैं। बीते साल 2022 को कराची में मेमन मस्जिद के पास ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 13 लोग जख्मी हुए थे। आतंकियों का पनाहगार बने पाकिस्तान ने आज अपने लिए मुसीबतें बना ली हैं, और यही वजह है कि वो अपनी ही खोदी हुई खाई में गिर गया है। अनाज पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अब उसकी आतंक की फैक्ट्री से निकले आतंकवादी ही सताने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।